साथियों, प्रिविलेज के बजाय हम प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने पर बल दे रहे हैं। लेटरल एंट्री, और आप में से बहुत लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि भाई एक आईएएस हो गया तो सारी दुनिया वही जानता है, ये सोच ठीक नहीं है। समाज में बहुत प्रतिभावान लोग होते हैं, इतना बड़ा देश चलाने के लिए वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। और उस अवसर देने के लिए हमने एक मैकेनिज्म विशेष डेवलप किया है, ताकि, और वो भी ऑर्गेनाइज वे में, सरकार के बीम पर नहीं, यूपीएससी की प्रोसेस से। और देश से मैंने देखा है एक एक दो दो करोड़ के पैकेज से काम करने वाले नौजवान सामान्य तनख्वाह लेकर के दो साल तीन साल देश को देने के लिए, सरकारी व्यवस्था में आने के लिए तैयार हो रहे। कुछ हमने शुरुआत की है, और उनके पास कॉरपोरेट वर्ल्ड का अनुभव है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के कारण वो ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में एक अधिक अच्छे आउटकम के लिए ये जो हम कोशिश कर रहे हैं वो सुखद परिणाम लाएगी। और देश का बेहतरीन टैलेंट जो आज सिविल सेवाओं के तय प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है, वो देश के दूसरे बेस्ट संस्थानों के वैल्यूज को इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि सरकार में भी वो वैल्यूज आए। कॉरपोरेट कल्चर की कुछ चीजें अच्छी हैं जो सरकार में भी होना चाहिए, लेकिन इन्हीं के माध्यम से हम ला पाएंगे। उसी प्रकार से अब डेडलाइन को सरकार में भी सैक्रोसेंक्ट माना जाने लगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे देश में ये व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन बहुत सारे विभागों में इस बदलाव को आप अनुभव कर सकते हैं। गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा ये सुधार सिर्फ 5-10 वर्षों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारी सरकार तक सीमित नहीं है, ये लंबे अरसे तक देश के गवर्नेंस पर प्रभाव पैदा करने वाला है। और इसी सोच, इसी अप्रोच के साथ हम बेटर टुमारो के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ 5 या 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेटर टुमारो के लिए, न्यू इंडिया के लिए परमानेंट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्यवस्था बनाने पर हम काम कर रहे हैं। 130 करोड़ भारतीयों के बेटर फ्यूचर के लिए राइट इंटेंशन, बेटर टेक्नोलॉजी और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ही हमारा रोडमैप है।